गुडारिया टेलीविजन का वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एंड सक्सेसफुल शो है। बहुत ही कम टाइम में इन्होंने अपनी काफी अच्छी ऑडियंस बना ली है। शो को प्रोड्यूस किया है रवि दुबे और उनकी वाइफ सरगुन मेहता ने, और इसी के साथ शो में नजर आते हैं द वेरी टैलेंटेड एक्टर्स अंकित गुप्ता, प्रियंका चहल चौधरी एंड ईशा मालविया। अगर बात की जाए रीसेंट ट्रैक की तो काफी ज्यादा बैकलैश मिल रहा है शो को, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी टीआरपीज मेंटेन्ड है क्योंकि इतना ज्यादा ड्रामा चल रहा है। हम देख सकते हैं शो में कि कैसे जैस्मिन एक के बाद एक चाले चल रही है, और इसी के चलते अब फतेह ने अपनी माँ को बोल दिया है कि वो तेजो से रिक्वेस्ट करे कि तेजो इस घर को छोड़कर चले जाए, क्योंकि तेजो जब तक विर्ग हाउस में रहेगी तब तक जैस्मिन और तेजो की लड़ाई होती रहेगी और फतेह उन दोनों के बीच में पिसता रहेगा। अपनी बेटे के कहने पर गुरप्रीत तेजो को इस घर से बाहर जाने के लिए कह देगी। हम आपको बता दें कि तेजो को इस घर में लाने की बात भी फतेह के फादर ने की थी और उन्होंने कहा था कि मैं आपको बेटी बनाकर इस घर में लाना चाहता हूँ। वहीं गुरप्रीत अगर अब कहेगी कि अगर तू मुझे अपनी माँ समझती है तो प्लीज़ इस घर से चली जा, जो कि तेजो के लिए काफ़ी ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल होने वाला है, और जैस्मिन की चाल एक बार फिर से कामयाब होगी और वो काफ़ी खुश होती नजर आएगी। इसके अलावा हम आपको बता दें और भी ज़्यादा ड्रामा हमें देखने को मिलेगा क्योंकि उडारिया के आने वाले एपिसोड्स में फतेह को पुलिस के साथ देखा जाएगा। अब पुलिस इनके घर क्यों आई है, फतेह ने कुछ गलती करी है या फिर जैस्मिन की वजह से पुलिस आई है, ये हमें शो में देखकर ही पता चल पाएगा। इसके अलावा शो में जो फतेह के भाई का कैरेक्टर है उसे भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते देखा जाएगा, वो भी हमें रोता हुआ नजर आएगा। जैस्मिन की वजह से इस घर में कितने लोग दुखी होने वाले हैं ये हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा, और तेजो किस तरह से अपनी डिसरिस्पेक्ट को अपनी ताकत बनाएगी वो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा।